दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल नोटिफिकेशन आइकन हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी क्वेश्चन पता चल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। करंटली विजिटेड वेबसाइट कैन ओपन बाय क्लिकिंग डैश। सो बैकवर्ड एरो बटन यदि आप प्रेस करते हो तो जो करंटली विजिटेड वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। उसके बाद BCC स्टैंड फॉर, तो BCC स्टैंड फॉर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3। डैश मीन्स टू वॉच और टू लिसन वीडियो और ऑडियो थ्रू इंटरनेट विदाउट स्टोरिंग इट ऑन आवर कंप्यूटर, तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रीमिंग। देन फोर्थ, www.google.com इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो यहाँ पे सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। देन फिफ्थ इज डैश इज अ एनिमेशन क्रिएटर सॉफ्टवेयर, सो माइक्रोमीडिया फ्लैश एक एनिमेशन क्रिएटर सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स प्रेजेंट इन डैश मेनू, तो आप रिव्यू टैब में जाओगे तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड सारे कमांड्स वहाँ पे मिल जाएंगे। द नेक्स्ट, डायलॉग बॉक्स कैन नॉट बी रिसाइज, तो बिल्कुल देखिए हम रिसाइज नहीं कर सकते उसे, इसलिए ट्रू हो जाएगा। उसके बाद इन MS Word 2010 फुट नोट एंड एंड नोट आर द ऑप्शन अवेलेबल इन डैश टैब, तो क्रॉपिंग सेक्शन में जाइए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे फुट नोट एंड एंड नोट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ओके, डैश शॉर्टकट की इज यूज फॉर इटैलिक टेस्ट, सो कंट्रोल प्लस आई हम इटैलिक करने के लिए यूज़ करते हैं। यदि आपने हमारी शॉर्टकट कीज़ की वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे शॉर्टकट कीज़ की वीडियो मैंने डाल के रखी है। देन 10, डैश आइटम आर इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, तो देखिए फुटर हम यदि यूज़ करते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं बॉटम पे। देन डैश इज अ करेक्ट सिंटेंस ऑफ एंड फंक्शन इन MS Excel, तो एंड लॉजिकल टेस्ट 1 कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 ये सही सिंटैक्स है एंड फंक्शन का। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, इन MS Excel डैश फंक्शन रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ गिवन वैल्यू इन स्पेसिफिक सेल रेंज, तो यहाँ पे मैच फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैच सही आंसर हो जाएगा। देन 13, डैश इज अ सीरियल नंबर ऑफ रो फ्रॉम टेबल एरे फ्रॉम विच करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज टू बी गिवन एज अ आउटपुट, तो रो इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज द सीरियल नंबर ऑफ अ कॉलम फ्रॉम टेबल एरे फ्रॉम विच करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज टू बी गिवन एज अ आउटपुट, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। देन 15, इन MS Excel वी कैन यूज सेल नेम टू गिव सेल, तो यहाँ पे सेल एड्रेस हम असाइन करने के लिए सेल को नेम देते, ठीक है। देन पावर पॉइंट टू ऐड साउंड इन द स्लाइड डैश ऑप्शन इज यूज, तो ट्रांजिशन में जाके आपको साउंड पे जाना पड़ेगा। देन 17, डैश एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज यूज टू क्रिएट स्लाइड शो, तो MS पावर पॉइंट हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए। देन 18, इन पावर पॉइंट एनिमेशन इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू डैश ऑन इंडिविजुअल स्लाइड, तो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। देन इन पावर पॉइंट वी कैन इंसर्ट टेबल इन स्लाइड यूजिंग डैश ऑप्शन, तो इंसर्ट टैब में जाइए और वहाँ पे टेबल का ऑप्शन आप यूज़ कीजिए। देन इन पावर पॉइंट विच टूल इज यूज टू ट्रिम और कट इम्पोर्टेड ग्राफिक्स, सो क्रॉप टूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन 21, यूजिंग डैश आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप वी कैन एक्सेस ऑल द फोल्डर, तो माई कंप्यूटर पे आप जाइए सारे के सारे ड्राइव्स एंड फोल्डर्स आपको वहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। देन 22, डैश इज अ टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, तो देखिए सुपर माइक्रो मेन फ्रेम एंड माइक्रो ये सभी है कंप्यूटर, ठीक है डिजिटल। देन डैश इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, सो स्पीकर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस हमें दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देन 24, विच आर द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट। देन लास्ट, इफ द माउस ऑन कीबोर्ड इज नॉट यूज फॉर सर्टेन टाइम देन डैश अपियर ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन सेवर जो है वो अपियर होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।